गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। कोरोना के चलते पिछले काफी समय से बंद पड़ी राहगिरी आज एक बार फिर शुरू हो गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 47 स्थित मालिबू टाउन में राहगिरी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राहगिरी में बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग हर कोई उत्साह से भरे नजर आए। राहगिरी में लोगों ने जमकर मौज मस्ती की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पर लोग कैसे आनंद उठा रहे हैं। दरअसल कोरोना के चलते नगर निगम द्वारा आयोजित की जाने वाली इस राहगिरी को बंद कर दिया गया था, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले। राहगिरी में बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग हर कोई उत्साह से भरे नजर आए। राहगिरी में लोगों ने जमकर मौज मस्ती की और डांस की प्रस्तुति भी की। बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी तक तो। ऑल दो हम थोड़ा लेट आए हैं बट बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि इसके बारे में पहले सीपी में सुना था, कनॉट प्लेस में होता था ये। यहाँ पे मैंने इमेजिन नहीं किया था इतना बड़ा ऐसा हो रहा होगा, बट बहुत मज़ा आ रहा है इससे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतने टाइम बाद हम घर से इतने सारे लोग बाहर निकले और इतने मज़े कर रहे हैं, वो भी कोई ऐसे पार्टी वार्टी नहीं, अपनी फिटनेस के लिए कर रहे हैं। तो राहगिरी बहुत अच्छी है, मतलब अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। पहले भी एक गुड़गांव में होती थी, गैलरी मार्केट में पहले होती थी पर बीच में बंद कर दी गई थी। तो अब कोरोना के बाद काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है आज के लिए जनरेशन के लिए, जो कि थोड़ा हेल्थ से भटक रही है। पर अगर ये चीज़ें होंगी तो वो हेल्थ के थोड़ी पास जाएंगी। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक ये सब हर वीकेंड में होना चाहिए और इनफैक्ट जी सिर्फ गुड़गांव में भी इस टाइम यहाँ पे हो रहा है, ऑल ओवर द गुड़गांव होना चाहिए ताकि हमें भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो एटलीस्ट की अगर ये ओल्ड गुड़गांव में हो रहा होता हमें इतनी दूर ना आना पड़ता। अगर ये यहाँ हर बार होगा तो मे बी हम ना आ पाएं, तो ये इतनी अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे सबको फिटनेस के ऊपर एंथुसियाज्म मिल रहा है, एटलीस्ट एवरीवन शुड अटेंड इट। इसलिए चाहता हूँ कि गुड़गांव के हर पार्ट में हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें। राहगिरी के कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बूढ़ों ने डांस, योगा, जुम्बा, जंपिंग, स्केटिंग जैसी एक्टिविटीज कर खूब पसीना बहाया। वहीं बच्चों ने साइकिलिंग और पेंटिंग कर अपने खूब हाथ आजमाए। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के मार्फत पर्यावरण और कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। जब हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने तमाम लोगों से बात की तो सुनिए क्या कुछ कहा लोगों ने। गुरुग्राम के मालिबू टाउन में आज राहगिरी कार्यक्रम जो है किया जा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालिबू टाउन में, जहाँ आप देख सकते हैं राहगिरी का जो ये कार्यक्रम है वो चल रहा है। देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और कितना यहाँ पे मज़ा जो है यहाँ पे लोग ले रहे हैं। डांस का भी जो कार्यक्रम है यहाँ पे किया जा रहा है, तो ऐसे में कुछ लोग भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेता हूँ कि किस तरह देख रहे हैं मैम, कितना मज़ा आ रहा है और राहगिरी डे आज मनाया जा रहा है। हाँ, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा इवेंट है ये जिसमें सब लोग इकट्ठे मिलके इंजॉय करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। देखिए और भी लोग हैं उनसे जान लेता हूँ। राहगिरी जो आज मनाया जा रहा है, पहले नए गुरुग्राम में जो है मनाया जाता था, आज यहाँ मनाया जा रहा है, किस तरह देख। ये हमारे टाउनशिप में राहगिरी मनाया जा रहा है उन टीचर्स डे के ओकेजन पे, तो सारे लोग जो है हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं और हमारा भी ग्रुप है हैप्पी सोल्स का ग्रुप है, तो हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो वी आर प्रमोटिंग हेल्थ एट अ लार्जर लेवल। किस तरह देखते हैं मैम आप फिटनेस को लेके, कितना ज़रूरी है आज के समय में फिटनेस को लेके, कितना ज़रूरी है आज के समय में? फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के समय में। फिटनेस है तो हेल्थ है, हेल्थ है तो हैप्पीनेस है, एंड देन वी आर ऑल हैप्पी। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबॉडी शुड बी वेरी हेल्दी फिट एंड इट्स अ लाइफस्टाइल दैट वी ऑल शुड फॉलो। देखिए आप देख सुन सकते हैं कि काफ़ी ज़रूरी जो है आज के समय में फिटनेस है, और इनसे भी आपसे भी जान लेता हूँ कि किस तरह देखते हैं आज राहगिरी डे जो है मनाया जा रहा है कोरोना काल के समय के बाद जो है एक बार फिर राहगिरी जो है शुरू हुई है, किस तरह क्या कहेंगे? राहगिरी एक ऐसा इवेंट है जिसमें सारे के सारे लोग अपनी फिटनेस को लेकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है जो रोड सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, फिटनेस, ट्रैफिक रूल्स और रोड फॉर एवरीवन के लिए ये सबसे बड़ा अच्छा मैसेज देता है, और एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रेंजर से मिलते हैं। ये हमारा पूरा हैप्पी सोल्स ग्रुप है जो फिटनेस के लिए बहुत सालों से हम लोग एक साथ कर रहे हैं, हम लोग योगा करते हैं, हम लोग जुम्बा करते हैं, हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स करते हैं,
सो आई थिंक राहगिरी एक ऐसा इवेंट है, हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, ये कोविड जल्दी खत्म हो और हम लोग सब इकट्ठे हों और दोबारा से राहगिरी के लिए आगे बढ़े। देखिए बच्चे बुजुर्ग युवा जो है हर जो वर्ग के लोग हैं यहाँ पे इस राहगिरी में भाग ले रहे हैं। आपसे भी जान लेता हूँ सर, किस तरह देखते हैं कोरोना काल के समय के बाद एक बार फिर राहगिरी शुरू हुई है? इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई एम थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ऑर्गेनाइजर कमेटी, ऑल पीपल हु हैव टेकन दिस, एंड आई विश दैट इट शुड कंटिन्यू। दरअसल नगर निगम के द्वारा हर सप्ताह रविवार के दिन राहगिरी का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जिसमें सड़कों को वाहन फ्री करके वहां राहगिरी का उत्साह देखने को मिलता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राहगिरी का हिस्सा बने जिससे वे स्वस्थ रहें। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।